बातमीला सत्याचा आधार म्हणजेच निर्भीड विचार। अब देखिए देखिए, सरकार की सोच के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की इकॉनमी हिंदुस्तान की इकॉनमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। चाइना की इकॉनमी हिंदुस्तान की इकॉनमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे क्या उनकी इकॉनमी हमारी इकॉनमी से छोटी थी? लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। सावरकर की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा, अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है मजबूत है तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकॉनमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी देशभक्ति है? जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप झुक जाओ। शब्द है इसके लिए, महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सॉरी सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है, आरएसएस बीजेपी वालों के लिए, हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई है। आखिरी बात, और मुझे बात समझ नहीं आई, पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक उद्योगपति पे आक्रमण किया, अदानी जी पे मैंने आक्रमण किया। मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचे, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी बनती है चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह उनको फायदा मिलता है। इजराइल में सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, श्रीलंका में एक व्यक्ति कहता है कि राजा पाक्सा जी ने उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने दबाव डालकर अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। तो मैंने
सिर्फ एक सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी जी आपका अदानी जी से रिश्ता क्या है? मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, भैया बता दो रिश्ता क्या है। और मैंने ऐसे फोटो दिखाई, ऐसे फोटो दिखाई, उसमें नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में रिलैक्स करते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने पूछा भैया बता दीजिए रिश्ता क्या है। अब आपने नोटिस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार, सारे के सारे मंत्री अदानी जी की रक्षा करने लग गए। अदानी जी की रक्षा करने लग गए। कहते हैं जो अदानी जी पे आक्रमण करता है वो देशद्रोही है। मतलब अदानी जी देश के सबसे बड़े देशभक्त बन गए, और बीजेपी और आरएसएस इस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। सवाल यह उठता है, रक्षा क्यों कर रही है? क्या है इस अदानी में जो बीजेपी और आरएसएस को, सब मंत्रियों को इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं सुनिए, और सबसे बड़ा सवाल ये जो शेल कंपनीज हैं, जो हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी हैं? इसमें किसका पैसा है? अदानी जी डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और हिंदुस्तान की सरकार को यह भी नहीं मालूम कि अदानी जी की शेल कंपनी है बाहर। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा? जेपीसी क्यों नहीं हो रही? डिफेंस का मामला है, देश की रक्षा का मामला है, पता तो लगाना चाहिए ये पैसा किसका है, शेल कंपनीज किसकी हैं, मगर नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। LIC का इन्वेस्टमेंट है, उनका नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में फोटो दिखती है, नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, स्टेट बैंक चेयरमैन बैठे हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, अदानी जी बैठे हैं एक मेज पर। स्टेट बैंक $1 बिलियन का लोन दे रहा है, नरेंद्र मोदी जी उस मेज पे क्यों बैठे हैं? क्या लेना देना नरेंद्र मोदी जी का स्टेट बैंक और अदानी के बीच में, क्या लेना देना? तो ये सवाल है, और ये सवाल मैंने पूछे नरेंद्र मोदी जी से पूछे, बहुत सीधा जवाब था, कोई रिश्ता नहीं है, सिंपल सा जवाब था। हमने पूछा रिश्ता क्या है, नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कोई रिश्ता नहीं। मगर रिश्ता है, रिश्ता है भाइयों और बहनों। अदानी जी और मोदी जी एक हैं। एक हैं, और देश का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, एग्रीकल्चरल स्टोरेज, सेब, हिमाचल प्रदेश में सेब, कश्मीर में सेब, पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। और जब हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं ये 609 से 2 कैसे पहुंचा, बस ये बता दीजिए रिश्ता क्या है,
हमारी पूरी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। कारगे जी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। अदानी जी के बारे में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हाउस में सवाल नहीं पूछा जा सकता है। हम पूछेंगे, एक बार नहीं हजारों बार पूछेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक सच्चाई नहीं निकलेगी। अदानी जी की सच्चाई नहीं निकलेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे। क्योंकि और इसका एक कारण है भाई और बहनों, और खास तौर से जो लोग अदानी जी के की कंपनी में काम करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, ये आपकी जो कंपनी है ये देश को नुकसान पहुंचा रही है। ये देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को छीन रही है। भाइयों और बहनों याद रखिए, आजादी की लड़ाई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी, वो भी एक कंपनी थी। उस कंपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, सारा का सारा उठा लिया था। इतिहास रिपीट हो रहा है, इतिहास रिपीट हो रहा है। ये देश के खिलाफ काम हो रहा है, और अगर देश के खिलाफ काम होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी, लड़ जाएगी। बातमीला सत्याचार म्हणजे निर्भीड विचार।